हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले सत्र में एकादशी तिथि का वर्णन आया था, एकादशी तिथि के विषय में आया था। कुछ लोग जानते हैं एकादशी के विषय में, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो मैं सोचा कुछ कुछ करके, थोड़ा थोड़ा करके प्रत्येक संडे को आपको बता दूं, ताकि आपको पूरा नॉलेज हो जाए एकादशी का। एकादशी क्या है, एकादशी क्यों करना चाहिए, इसको करने से क्या मिलता है हमें, तो उस अनुसार से आप थोड़ा थोड़ा करके मैं बताते जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके आप जानते जाइए इसके विषय में। तो भक्तों, एकादशी कृष्ण को प्रसन्न करने वाली और कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। एकादशी तिथि को कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन भक्तों, ये एकादशी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और कृष्ण को प्रसन्न करने वाली तिथि है। और देखा जाए तो एकादशी समस्त व्रतों का राजा है। आप एकादशी करो और कुछ भी ना करो तो चलेगा, लेकिन आप सब कुछ करो और एकादशी ना करो, इसलिए एकादशी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एकादशी हमें करना ही चाहिए सबको। और वैसे भी एक फ्रांस के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अभी शोध किया कि जो 15 दिन में एक बार उपवास करते हैं ना, उसको कभी कैंसर नहीं होता है। ऐसा उन्होंने शोध किया और उसे नोबेल पुरस्कार मिला, और हमारे साइंस में पहले से ही खोजा गया है, हमारे विद में इसका भी है। मतलब कि आप 15 दिन में एक बार अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए, है ना। 7-7 दिन में माइंड को रेस्ट मिलता है काम से, वैसे ही हमारा लीवर है और भी जो पचाने वाला है सब लगा हुआ रहता है, तो उसको एक सब 15 दिन में कम से कम एक बार रेस्ट, सप्ताह में नहीं तो रेस्ट होना चाहिए। एकादशी समस्त वर्षों का राजा है भक्तों। अन्य अन्य व्रत रहने से देवी देवता संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन एकादशी व्रत का पालन करने से अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ये एकादशी हरि को प्रसन्न करने वाली तिथि है, और इसलिए हमारे शास्त्रों में एकादशी को हरि वात्सल्य कहा गया है। हरि का बहुत बड़ा उत्सव है, इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करे। ये माधव तिथि जो है कृष्ण के प्रति भक्ति को जन्म देने वाली तिथि, और जितना जतन करके, जितना मेहनत करके आप इस एकादशी तिथि का पालन करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। इस एकादशी तिथि को मेहनत करके, परिश्रम करके हमें पालन करना चाहिए, जिसका पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान ने एकादशी तिथि को वरदान दिया है, एकादशी संसार में जो इस तिथि का पालन करेगा, एकादशी के दिन उपवास रहेगा, उसे अत्यंत अत्यंत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाएगी। और इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है, कृष्ण प्रेम। इस संसार में सबसे ज्यादा कोई चीज वस्तु दुर्लभ है तो वो है कृष्ण की भक्ति। दुर्लभ मानुषो देवो देहि राम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। मिथिला के राजा जनक ने यह बात बताई कि 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म मिलना ये दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ है साधु संतों की संग। साधु संतों के संग में बैठना ये मनुष्य जीवन से भी दुर्लभ है, और उस साधु संतों के संग से भी दुर्लभ क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। गौड़ीय वैष्णवाचार्य रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में यह कह दिया कि सुदुर्लभ, ये भक्ति जो है दुर्लभ है। दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है, सब लोग नहीं कर सकते। देखिए आप इस देवघर में कितने लोग हैं और कितने लोग भक्ति कर रहे हैं। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, गांजा पी के भी कहते हैं मैं भक्ति कर रहा हूं, वो भक्ति नहीं है। दूर दूर तक उसका भक्ति से कोई संबंध ही नहीं है। भक्ति छोड़िए, उसे कहा जाए तो मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता, ऐसे लोग। तो आप यह मत समझिए कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो बस ऐसे ही कोई चीज है, ऐसे ही साधारण चीज होगी। पर तो ये भक्ति इतनी बड़ी चीज है कि जिसका हम अंदाजा भी लगा नहीं सकते। बड़े बड़े देवता, स्वर्ग में रहने वाले, कभी नहीं मरने वाले देवता भी तरसते हैं
भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि आप हम पर कृपा करो, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें मनुष्य जीवन दो। इस पृथ्वी पर हमें जन्म दो ताकि हम आपकी भक्ति कर सकें, भजन कर सकें। आपका भजन करना बहुत दुर्लभ है प्रभु, इसलिए हमें मनुष्य जीवन दो। भक्तों, ये भक्ति रूपी धन सबको नहीं मिल सकता है। संसार का धन सबको मिल सकता है, लेकिन भक्ति रूपी धन बहुत कम लोगों को मिलता है, सब लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन भक्ति का धन उसी को मिलता है जो इसको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो भगवान ने वरदान दिया है एकादशी तिथि को कि जो इस तिथि का पालन करेंगे उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वैष्णवगण एकादशी के दिन निर्जला करते हैं। यदि हमसे निर्जला ना हो सके तो सजला कीजिए, पानी पीजिए, और सजला भी ना हो सके तो सजूसा कीजिए, जूस पीजिए, रस पीजिए फलों का, और वो भी ना हो सके तो सफला कीजिए, फल खाइए, और फल से भी यदि ना हो सके तो फलहार कीजिए। एकादशी के लिए बहुत सारी वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध है, क्षमा का राइस, साबूदाना का खिचड़ी, साबूदाना का पकौड़ा, एक से एक चीज बनता है एकादशी के दिन। एकादशी के दिन हमें यन्न नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? चावल, दाल, आटा। अब दाल किसी भी प्रकार का हो, दाल चने का हो, मूंग का हो, किसी भी प्रकार का दाल हमें नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी खाओ, इतने सारे सब्जियां हैं। ऑयल में आप यूज कर सकते हैं सनफ्लावर ऑयल, क्या बोलते हैं उसको, रिफाइंड ऑयल मत यूज कीजिए। उसमें सोयाबीन रहता है, किसी में राइस रहता है, तो उसको मत यूज कीजिए। सनफ्लावर ऑयल आता है, आप उसको यूज कीजिए। उसके साथ आप किसी कोई भी चीज़ का सब्जी बना सकते हैं। रॉक सॉल्ट आता है, क्या बोलते हैं उसको, वो नमक जो शेंदा नमक आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से करके आराम से आप बना के खा सकते हैं। बस क्या नहीं खाना, चावल, दाल और आटा, जो उसी में आता है आपको। नहीं, किसी भी यन्न को नहीं खाना है आपको, चावल, दाल, आटा। नहीं, जैसे भी हो है? सबसे पहले प्रयास करना चाहिए निर्जला रहे। निर्जला ना हो सके तो जूस पीजिए, जूस से भी ना हो सके तो आप फल खाइए, फल से भी ना हो सके तो फलहार कीजिए, दूध पीजिए। खाली चावल, दाल, आटा नहीं खाना है, खाना ही नहीं है इसे, और जो नॉर्मल नमक मिलता है उसे नहीं। उसका आटा आता है, उसका आटा मिलता है, सब कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। क्या नहीं मिलता है एकादशी के लिए, आप उसे कर सकते हैं। चौबीस, एक साल में 24 एकादशी होती है, हमें 24 एकादशी करना चाहिए, 24 एकादशी करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो अंधेरी रात में जो एकादशी होती है उसे नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। प्रश्न के लिए आपको हम बाद में मौका दे देंगे, लास्ट में आप प्रश्न कर लीजिएगा, पूछिए। नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है, मुझे धारणा बना। एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं, एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। बाद बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी को श्राद्ध हो रही है, आ रहा है, दिन पड़ रहा है, तो उसको अगले दिन करना चाहिए, लेकिन एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। नहीं, आप कीजिए कीजिए। तो मैंने क्या बोलते हैं उसको, लेकिन अभी वही चीज़ जो इनके यहाँ हो रहा है ना, एकादशी नहीं करना चाहिए। वही बच्चे थी दशहरा नौमी के दिन करती तो बलि जरूर पड़ता, बलि रुकता नहीं, मतलब हमेशा के लिए नहीं रुकता ना, दूसरे वर्ष पड़ता, उस दिन नहीं पड़ता है ना। तो नहीं, एकदम शुरू कर दीजिए। एकादशी करना मस्ट है हम भक्तों के लिए, तो जो वैष्णव है उनके तो मतलब मस्ट है, उसको करना ही चाहिए। आप इतना बहुत सारा नियम फॉलो कर रहे हैं लेकिन एकादशी नहीं रह रहे, फिर सारा कुछ खत्म हो जाए।
आप शुरू कर दीजिए एकादशी करना, और जो भी हो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है? इसका गारंटी कृष्ण ले रहे हैं, ठीक है? भागवत ले रहा है, आपके सामने भागवत है, वो इसका गारंटी ले रहा है कि आपको कुछ नहीं होगा। भागवत शुरू कर दीजिए। बनारस में मरना गंगा तीर, व्रत भला एकादशी पाप न रहे शरीर। हम जो डिस्कशन है उसको लास्ट में कर लेंगे, अभी कथा को चलने दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर डिस्कशन के लिए 5-10 मिनट लोग रखेंगे। जिस तरह से भी हो एकादशी को करना चाहिए, बच्चे बूढ़ो जवान सबको करना चाहिए। और शास्त्र में वर्णन है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग प्रमाण मांगते हैं कि प्रमाण क्या है, तब तो शास्त्र भरे पड़े हैं, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, सभी पुराणों में लिखा हुआ है एकादशी के विषय में। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति को उतना पाप लगता है जितना गाय का मांस खाने से पाप लगता है। एकादशी के दिन अन्न खाओ और दूसरे दिन गाय का मांस खा रहा हो, बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोमांस भूत्वा, गोमांस खाने से जितना पाप लगता है उतना पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से। महाभारत में वेद व्यास मुनि लिखते हैं एकादशी के दिन अन्न खाने से कितना पाप लगता है। मातृहा बंधुहा, मातृहा पितृहा बंधुहा, अपने भाई को मार दे, अपने बंधु मित्र सखा को मार दे, पिता को मार दे, माता को काट दे, गुरु को काट दे के बाद जितना पाप लगता है उतना पाप अकेले एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। इसलिए एकादशी नहीं खाना चाहिए। और पद्म पुराण में वर्णन है क्योंकि एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मूर नाम के राक्षस को अन्न में स्थान दिया है, तथा अन्न को उस दिन नहीं खाना चाहिए। साक्षात भगवान भी इस बात का जिक्र करते हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला में। जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तो एक दिन सुबह उठकर अपने माता सची से कहते हैं, एक दिन मातार पदे करिय प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देहे एक दान। चैतन्य महाप्रभु एक दिन सवेरे उठ के अपने माता को प्रणाम करते हैं, माँ मुझे आप एक दान दीजिए। माता बोले, ताई दिवा अया तुम्हें मांगी भी। उनकी माता ने कहे, मेरे प्रिय पुत्र जो तुम मांगोगे मैं वही दे दूंगी। महाप्रभु कहे, प्रभु कहे एकादशी थे अन्न ना खाई बे, एकादशी के दिन माता आज से आप अन्न खाना बंद कर दो। तो महाप्रभु ने के माने तुरंत ये बात मान ली कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इतिहास में अनेकों भक्तों का वर्णन है, भक्तों एकादशी रहने से कितना पुण्य मिलता है। भागवत के नवम स्कंद में अमरीश महाराज की कथा है, अन्य पुराणों में भी अन्य कथाएं हैं जो हम आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके सुनेंगे। आज इतना हमने एकादशी के विषय में सुना। जो नहीं कर रहे वो तो शुरू कर दीजिए। कितने लोग कर रहे हैं एकादशी यहाँ पे, थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। तो एकादशी कितने लोग कर रहे हैं? 3 जने नहीं, 24 एकादशी कीजिए, 24 एकादशी कीजिए, 24 एकादशी। अब आपने सुना कितना पाप लगता है। घर में लोग नहीं करते उनके लिए बना दीजिए ना, वो खिचड़ी, साबूदाना की खिचड़ी बना दीजिए, एक से एक सेंधा नमक खा सकते हैं। चावल दाल आटा और वो राई का तेल भी, वो तो दाल में आ गया, वो भी नहीं खाना है। और वो नॉर्मल जो नमक मिलता है वो नहीं खाना। हाँ, सेंधा नमक आप खा सकते हैं, घी चल सकते हैं आराम से, क्यों नहीं, पानी पी के भी रह सकते हैं। पहले तो प्रयास करना है निर्जला रहने का। निर्जला ना हो तो सजला, सजला ना हो तो सजुसा जूस पी के, सजुसा भी ना हो तो फल खा के, और उसे भी ना हो तो साबूदाना का खिचड़ी बनाओ। है ओ सेंधा, कौन सा बोला आपने, सिंघाड़े की रोटी बनाओ, बहुत सारा है, उस तरह से आप बना के खा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो आने वाले दिनों में हम धीरे धीरे करके एकादशी की ओर महिमा का श्रवण करेंगे। अभी चलते हैं कृष्ण कथा में। तो गत सत्र में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर लीला की, पूतना उद्धार लीला। मात्र 6 दिन के बालक हैं भगवान, और उस 6 दिन की आयु में, कृष्ण ने पूतना को मार डाला, पूतना का वध कर दिया। सच कहें तो भगवान ने पूतना को
आप आ जाइए आगे, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे आगे बच्चे। भगवान ने 6 दिन की उम्र में पूतना का वध किया। सच कहे तो भगवान ने पूतना को मारा नहीं, पूतना को तार दिया, क्योंकि भक्तों भगवान का नाम है हरि, और हरि के हाथों से यदि कोई मरता भी है तो वह मरता नहीं, वो वैकुंठ को चला जाता। कई बार कुछ लोग भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं, कहते हैं अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, कृष्ण जबरदस्ती सबको युद्ध कराया, अर्जुन से युद्ध करवाया, सबको मरवा दिया। ऐसा नहीं है भक्तों, कृष्ण की इच्छा थी सबका उद्धार हो, ये सारे पापी लोग हैं मुझे देखे इन सबका उद्धार हो। महाभारत के उस युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, उस भूमि में ऐसी व्यवस्था थी भक्तों कि जो सैनिक, जो जो योद्धा मरा कृष्ण को देखते देखते प्राण त्यागा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति शमदभावं याति नास्त्येत्र संशयः। हे अर्जुन, अंत समय में यदि कोई मेरा स्मरण करता है तो मरने के बाद तुरंत वो मेरे वैकुंठ को प्राप्त करता है। उस कुरुक्षेत्र की भूमि में जितने भी लोग मरे भक्तों, सब लोग भगवान के धाम प्राप्त हुए। ये भगवान का बहुत बड़ा योग था, प्लान था, तो भगवान ने पूतना को मारा नहीं, कृष्ण ने उन्हें तार दिया। ये सच बात है भक्तों कि मरते वक्त हमारी जो मानसिकता होती है, जिस विषय के बारे में हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा पुनर्जन्म होता है। यदि हम कृष्ण के विषय में सोचेंगे तो निश्चित हम कृष्ण के धाम पर जाएंगे, और यदि कृष्ण के विषय में नहीं सोचेंगे, इधर उधर सोचेंगे, अपने बच्चों के विषय में सोचेंगे, तो हम फिर उनके बच्चे बन के आएंगे। किसी जानवर के विषय में सोचेंगे तो जानवर बनेंगे, किसी वृक्ष के विषय में सोचेंगे तो वृक्ष बनेंगे। अंतकाल में जैसे मति होगी वैसे गति होगी हमारी। अब सोचोगे अभी हम क्या बात है, अभी आप प्रभु जी आप बोल दिए तो जब लोग मरेंगे तो कृष्ण के बारे में सोच लेंगे, संभव नहीं है, असंभव है सोचना, क्योंकि मरते वक्त इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बोलते मरते वक्त कितना दर्द होता है, तो एक बिच्छू काटने से जितना दर्द होता है ना, उस तरह 1000 बिच्छू एक बार काटे उतना दर्द होता है मरते वक्त। तो आदमी सब कुछ भूल जाता है, लेकिन यदि वो कृष्ण नाम लेने का प्रयास कर रहा है शुरू से, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है, तो निश्चित उसके मुख में हरे कृष्ण महामंत्र आएगा, और यदि मरते वक्त कृष्ण का नाम आ गया तो हम भगवान के धाम को निश्चित चले जाएंगे। तो इस प्रकार से भक्तों, कुरुक्षेत्र में पूतना, कुरुक्षेत्र में बहुत सुंदर प्लान था भगवान का, सबको वैकुंठ भेजने का, पूतना को मारा नहीं, कृष्ण उन्हें तार दिया। तो भक्तों अभी बात आई थी भगवत गीता के, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हमारे जीवन का मतलब कैसे जीना चाहिए, वो सारी बातें इस भगवत गीता में लिखी हुई है। हमें इसे पढ़ना चाहिए, हमारे मन में जो सवाल है कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, हमें करना क्या है, हमारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, लक्ष्य क्या है, सब इसमें लिखा है। और ऐसे अनमोल श्रीमद् भागवत गीता की जयंती, हैप्पी बर्थडे आ रहा है इसका, कब है हैप्पी बर्थडे इनका, हाँ 19 दिसंबर को इसका हैप्पी बर्थडे है। श्रीमद् भगवत गीता का 19 दिसंबर को क्या है, जन्म दिवस जयंती है। तो जिनके पास गीता है, शास्त्र में आया है कि गीता जयंती के दिन हमें श्रीमद् भगवत गीता को लेना चाहिए, और वो पूरा मास जो होता है उस मास को भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, और खुद के लिए ही नहीं लेना चाहिए, खुद लेकर अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने संबंधियों को इसे दान में देना चाहिए। यदि उनके पास भी है तो बहुत सारे लोग हैं, आप किसी को भी दे सकते हो, आपके पास गीता हो सकती है, लेकिन जो प्रभुपाद ने लिखा है वो गीता नहीं होगी, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस पर्पज से लिखी हुई भगवत गीता नहीं है। ये लोगों को कृष्ण के प्रति जागरूक करना, कृष्ण की भावना जगाने के लिए ये गीता लिखी गई। अनेक लोगों की गीता आपको मार्केट में मिल जाएगी, अनेक लोगों का गीता उपलब्ध है, लेकिन किसी शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा हुआ भगवद गीता बहुत कम है जो हमें मार्केट में मिलेगा।
ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखी हुई किताब को यदि हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में निश्चित बदलाव आता है भक्तों। तो जिनके पास है वो अपने लिए भी लीजिए, अपने लिए भी लीजिए, अपने दोस्तों के लिए भी लीजिए, अपने मित्रों को गिफ्ट कीजिए, लेकिन भगवद गीता 19 तारीख को लीजिए ही लीजिए। जितना मैक्सिमम हो सके आप लीजिए। और आप उस दिन के लिए, उस दिन गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप चाहते हैं कि हम गीता डिस्ट्रीब्यूट ना करें, आप ही कर दीजिए, तो उस दिन के लिए आप कुछ डोनेशन दे सकते हैं, जैसे कि इन माता जी ने दिया है और भी बहुत लोग हैं जो दे रही हैं, तो आप उस दिन के लिए कुछ डोनेशन दे सकते हैं जिससे मैं या फिर हमारे इस्कॉन के लोग अनेक अनेक जगहों पर आपके नाम से भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ डोनेशन दे सकते हैं या फिर खुद खरीद कर इसे ले जा सकते हैं और जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जो आपको रिश्तेदार हैं, उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले कि कोई आपको इसको आपके लिए पढ़े, भगवद्गीता कब पढ़ा जाता है हमारे यहाँ, जब अंतिम होता है ना, खाट पे लेटा हुआ इधर भगवद्गीता पढ़ा है, कोई फायदा नहीं है, वेस्ट पढ़ के कोई फायदा नहीं है। इससे पहले कि कोई आपके लिए पढ़े आप पढ़ लो, बेटर है, कोई फायदा नहीं है उससे। इसलिए गीता को पढ़ना चाहिए और इस दिन को गीता का बांटने का विशेष महत्व है भक्तों। शास्त्रों में आया है कि जो इस दिन को 100 है, सत पुस्तक दानम च गीताय प्राकरोति स यति ब्रह्म शरदन पुनरावृति दुर्लभम। भक्तों, सबसे बड़ा कष्ट है हमारे जीवन में, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? जन्म लेना, मृत्यु लेना, सबसे बड़ा कष्ट यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म लेना, मरना, बीमार होना और बूढ़ा हो जाना सबसे बड़ा कष्ट है आदमी के लिए। जन्म लेना, आप कहोगे कि जन्म लेने से क्या कष्ट है, अच्छा है ना, सब लोग कितने खुश होते हैं, सब लोग बाकी के लोग खुश होते हैं भक्तों, लेकिन जो जन्म लिया है उससे पूछो कितना कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है उस बच्चे की को कि वो अपने आदास तक को भूल जाता है जन्म लेने की क्रिया में। श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहन। हम इस संसार में बंधे हुए हैं, 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं, बार बार मां के गर्भ में आना, जन्म लेना, बार बार मरना, ये जीव का सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा कष्ट है। 9-9 महीना माँ के गर्भ में उल्टा लटक के रहना, मलमूत्र की एक थैली में पड़ा रहना, 9 महीने तक रहना, ये सबसे बड़ा कष्ट है। अब सोचो कितना कष्ट होगा, कोई आपको खाली उल्टा लटका दे तो, और एक छोटे से ड्रम में भर के लटका दे तो कितना कष्ट होगा, और उसमें भी कचड़ा डाल दे तो कितना कष्ट होगा। तो ऐसे कचरे की थैली में 9 महीने तक बच्चा लटका उल्टा रहता है, और जब उसे पेट के कीड़े काटते हैं तो वह सहम जाता है, बाहर मां को लगता है कि बेटा उछल रहा है, कूद नहीं रहता है, उछल नहीं रहा होता है, वो उसे कीड़े काट रहा होता है। जब बच्चा इस परिस्थिति में होता है तो वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझे इस स्थान से बाहर निकालो, इस कष्ट से छुटकारा दो, मैं बाहर जाके आपका भजन करूंगा, आपकी कीर्तन करूंगा और आपके ही नाम का जाप करूंगा, आप मुझे इस स्थान से बाहर निकालो। और जब बच्चा गर्भ से बाहर होता है, गर्भ में होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसे पुनर्जन्म याद रहता है, और वह उस पुनर्जन्म को याद कर करके कांपता है, रोता है कि इस बार बाहर गया तो इस लाइफ को बेकार नहीं करूँगा, पिछले लाइफ को बेकार कर दिया था, इस लाइफ को बेकार नहीं करना है, इस जिंदगी में भगवान का कीर्तन करूँगा और भगवान की प्राप्त करूँगा। लेकिन जैसे ही वह इस माया रूपी दुनिया में आता है सब भूल जाता है, और फिर तो एक ही शब्द है, क्या? धूम मचा ले, आए हैं धूम मचा ले। भक्तों, मैं खुद इस बात को नहीं कह रहा हूं, भागवत में वर्णन है, अन्य अन्य और शास्त्रों में वर्णन है, भागवत में 9वें स्कंद में इसका वर्णन है, आप पढ़ो। उसे सब याद रहता है, लेकिन जब वो माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे इतना कष्ट होता है कि वह सब भूल जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। सोचो कितना कष्ट होता होगा उस बालक को। अब वो बाहर आकर हमारे जैसे सोचता है कि अरे ये जिंदगी मिली है मजे करने के लिए,
इसे मजे करके खत्म कर दो, बस ऐसे ही चले चले जाना है। साधारण सा उदाहरण है कि आप किसी बोर्ड एग्जाम के लिए 2-3 साल के लिए प्रिपरेशन करते हो, हैं, और बोर्ड एग्जाम में कितना समय मिलता है, 2-3 घंटा। अभी एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हो 2 घंटे में, यार एग्जाम का समय मौज मस्ती करके निकाल देंगे, मजे करके निकाल देंगे। यदि आप एग्जाम के समय मजे किए तो वो एग्जाम भी आपके मजे लेंगे, हैं, वो आपको फेल कर देगा, आप फेल हो जाएंगे। उसी तरह ये जिंदगी है भक्तों, इस जिंदगी को मौज मस्ती में वेस्ट किए, खत्म किए, तो ये जिंदगी भी हमें मजे में रख देगा, हम फेल हो जाएंगे। कितना कष्ट है सोचो, एक बोर्ड एग्जाम में एक बच्चा फेल होता है, कितना कष्ट होता है उसे, कितना दुख होता है। तो जिंदगी के एग्जाम में कोई फेल हो जाए तो कितना कष्ट होगा उसे, कोई शक नहीं है कि उसे बहुत कष्ट होगा, कितना खराब लगता है। कोई जिंदगी के एग्जाम में फेल हो जाए, फिर से 84 का चक्कर, फिर से 84 लाख योनियों में जाना, कितना कष्टप्रद है। मैं अभी गांव में हूँ तो मैं कल रात को बाहर निकला तो वो शियार वियार होते हैं ना गांव में, कुत्ते वित्ते सब चिल्ला रहे थे, क्यों मालूम है, उसको ठंड लग रही थी, बड़े रो रहे थे, बहुत बड़ी रो रहे थे। हम बाहर निकले, सुनाई पड़ा मुझे, कितना कष्ट है सोचो, बिना कोई वस्त्र पहने ऐसे ही कांकड़ कंकड़ पत्थर में, पानी में कब कूद जाता है उसे ध्यान नहीं, अंधेरी रात है, ठंडी रात में वो बाहर रुको पूरा चिल्ला रहा था। तो उस दर्द से अच्छा है कि हम इस जन्म में ही कुछ ऐसा करें कि भगवान को प्राप्त कर जाए। जिंदगी का लक्ष्य बना लेते हैं, क्या डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, इंजीनियर बनना है, और इसी पे पूरी जिंदगी पार कर देते हैं। लेकिन भक्तों, ये IAS बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना कैसे है मालूम, आप मान लो आपको ये मंदिर आना है, यहाँ पे आना है, तो आपको गेट को क्रॉस करना पड़ेगा, उस सीढ़ियों को चढ़कर ही मंदिर आना होगा, है ना, वो गेट को क्रॉस करना ही होगा, सीढ़ियों को चढ़ना ही होगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे आप ये मंदिर आए तो वो गेट और सीढ़ियां ऑटोमेटिक आपसे क्रॉस हो गई, आप पार कर गए, ठीक। इसी प्रकार से यदि हम भगवान को लक्ष्य बनाते हैं, ये हम इंजीनियर और डॉक्टर क्यों बनना चाहते, सुख के लिए, और कोई दूसरा कारण होता है क्या, सुख के लिए, नाम के लिए, दूसरा कारण और कुछ नहीं होता है कि डॉक्टर बन के मैं समाज सेवा करूँगा, ऐसा कुछ लोग बहुत कम ही लोग होते हैं, पैसे के लिए करते हैं या फिर नाम के लिए करते हैं। तो यदि हम भगवान को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो जिस तरह से इस मंदिर आने के क्रम में और गेट और सीढ़ी क्रॉस हो गया, उसी तरह भगवान के पास जाने के क्रम में हमें सुख और शांति मिल जाएगी, सुख मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा तो थोड़ी है कि आप वहाँ रोड से डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो क्या, सीढ़ी चढ़ना ही है, वैसे ही सुख और शांति मिलेगा ही, सुख मिलना ही है, धन मिलना ही है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति, और यदि इस जीवन में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ही होगा जैसे मंजिल के दरवाजे पर जाकर आप लौट जाना पड़े, कितना खराब लगेगा सोचो। आप मान लो कहीं जाना है आपको, आप देवघर से निकले, यहाँ से ऑटो पकड़े, जसीडी गए, स्टेशन पे गए, ट्रेन भी आ गई लेकिन अब ट्रेन में आपको बैठने नहीं दिया गया, रिटर्न आना पड़ा, कितना खराब लगता है सोचो। तो इसी प्रकार से तो ट्रेन थी भक्तों, तो इतना खराब लगा, इतना जिंदगी झेल कर, इतना कष्ट झेल कर हम उस दरवाजे पर पहुँच गए, बस उस दरवाजे को खोलना है, हम खोलने नहीं भाई, आराम से बैठे रहे, बस फिर से हमें वही करना है, फिर वही 84 के चक्कर में फंस जाएंगे, फिर से वही मेहनत, वही दुख, वही कष्ट को काटना है। बेहतर यही है कि हम ऑलरेडी बहुत दुख काट चुके हैं, अब और नहीं काटना है, भगवान को प्राप्त करना है, वो जितनी गलतियां हो गई उससे सीख लो, अब फिर गलती करके सीखना ये मूर्खता है, जितनी गलतियां हो गई उससे सीख लेना यही बुद्धिमानी है। इसलिए अब उस कष्ट में नहीं जाना है और भगवान को प्राप्त करना है, और उसके लिए हमें क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, उनके नाम का, भगवान के नाम का कीर्तन करना है। कोई भी व्यक्ति सिंपली भगवान का नाम जप करके, उनका कीर्तन करके, और उससे भी सरल उनकी कथा को श्रवण करके भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकता है। मैं कह रहा था गीता जयंती कब है, 19 दिसंबर को हमको इस बार देवघर में मनाना है, हर एक जगह होता है, हर एक वर्ल्ड में आप सर्च करो गीता जयंती, अमेरिका गीता जयंती, इंग्लैंड, हर जगह हो रहा है, खाली हमारे देवघर में छूट रहा है। हमें इस बार गीता जयंती महोत्सव यहाँ पे मनाना है, और क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, इस गीता को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों में बांटना है, उनसे जो मिल जाए उस अनुसार से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई भी व्यक्ति इस दिन
पुराणों में आया है, सत पुस्तक दानम च गीताय प्रकृति। यदि 100 गीता का दान करता है तो स यति ब्रह्म शरदन पुनरावृति दुर्लभ, तो वह व्यक्ति फिर 84 के जो लफड़ा है उसमें नहीं फंसता। यदि कोई व्यक्ति इस तिथि को 100 गीता का दान करता है तो उसे फिर से पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होता, 84 के चक्कर में फंसने की आवश्यकता। तो आप सबों से निवेदन हो सके कि जितना हो सके उस दिन गीता को लीजिए, गीता का दान कीजिए, खुद लीजिए, पढ़िए और उसे दूसरों को दीजिए। सबसे पहले पढ़ना और फिर दूसरों को देना। कौन से गीता को? तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को लेना है, एज इट इज, जो प्रभुपाद जी ने लिखी है, जो कि शुद्ध भक्त है। हम बाहर से ले लेंगे गीता लेकिन हमें समझ में नहीं आएगी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत सुंदर भक्त हैं भगवान को, परम पूज्य हिज होलीनेस श्रीमद् राधा गोविंद महाराज जी, कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार प्रभुपाद जी की गीता देखी तो उसमें लिखा था एज इट इज, यथारूप, तो हमारे गुरु महाराज को बड़ा गुस्सा लगा। क्या हमारे कृष्ण के बाद इसी व्यक्ति ने समझा क्या गीता को, कि लिख दिया एज इट इज? बहुत गुस्सा है हमारे महाराज, और उसी गुस्सा में एक भगवद गीता को खरीद लिए और जब पढ़ना शुरू किए, जब पढ़े तो वाकई लगा कि वास्तव में गीता को यदि किसी ने समझा है आज तक तो श्री प्रभुपाद जी ने समझा। श्री प्रभुपाद जी ने जो गीता की व्याख्या की है वैसी व्याख्या और किसी ने की है। श्री प्रभुपाद की। गुरु महाराज कहते हैं और बड़े बड़े आचार्यों ने भी गीता को लिखा है, जैसे श्रीपाद शंकराचार्य ने लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, बल्ले विद्याभूषण जी ने लिखा है, गांधी जी ने भी लिखी है, विनोबा भावे जी ने भी लिखी है, अरविंद ने लिखा है, लेकिन उनकी गीता पढ़ो आप फंस जाओगे, समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं है। लेकिन आप प्रभुपाद जी की गीता श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज पढ़ते हो तो आप सारा क्लियर हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि और जो गीता है वो भ्रमावत है। हमारे गुरु महाराज अनेकों गीता पढ़ चुके हैं लेकिन श्रीमद् भगवत गीता यथारूप ही है जिसमें सब कुछ क्लियर है, वो खुद बोलते हैं इस बात को। और उसी गीता को पढ़कर तो दुनिया में करोड़ों लोगों ने भगवान को समर्पण किया है। आप देखिए YouTube पे सर्च कर विदेशी लोग किस प्रकार से सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज को पढ़कर भगवान को समर्पण कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो भक्तों श्री प्रभुपाद जी ने एक नियम बनाया कि इस गीता का प्रचार करना, और भगवान भी कहते हैं गीता में कि लोग मुझे प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे चीज़ करते हैं, मुझे पूजा करते हैं, मुझे धूप दिखाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन वास्तविकता जानते हो मैं किससे ज़्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ? जो मेरे कथा का, जो मेरे कही हुई बात का प्रचार करता है ना, मैं उससे ज़्यादा खुश होता हूँ। इसलिए यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें उस दिन गीता लेनी चाहिए, बांटनी चाहिए। इस गीता जयंती को गीता पढ़ना और उसे पूरे महीना मैराथन चलाना, प्रभुपाद जी ने एक शब्द दिया मैराथन, मैराथन मैंने दौड़ होती है ना बहुत लंबी, उसी प्रकार से ये 30 दिन मैराथन चलता है हमारे यहाँ गीता बांटने का, गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का, पूरा बेचते रहते हैं लोग। ज़्यादा से ज़्यादा गीता पढ़ना चाहिए और उसे बांटना चाहिए, जनता में फैलाना भक्तों को चाहिए, को इस दिन को गीता जरूर खरीदें अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने संबंधियों के लिए, वो चाहे दान से इसे बांटें या अर्थ से इसे दें, लेकिन वे खरीदें इस गीता को, ये उनका कर्तव्य है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं हम पहले ले चुके हैं, पढ़े हैं, लेकिन इससे क्या, अपार जनसंख्या है, आप लोग दूसरों को दान दे दो, घर घर तक पहुँचाना चाहिए इस भगवद गीता को, फैलाना चाहिए भगवद गीता को, क्योंकि भक्ति ये भक्तों यही हमारे जीवन का यूजर मैनुअल है, कैसे हमें हमारा जीवन जीना चाहिए यही हमें सिखाता है। आप पढ़ो आपको खुद पता चलेगा। इस गीता जयंती महीना में या गीता जयंती के दिन खास करके भक्तों का कर्तव्य है कि हम लोग इसको फैलाएं, भक्तों को चाहिए कि वे 10 20 25 गीता को लेकर बांटें, जो इसको खरीदने में असमर्थ हो ये भगवान की सेवा है कि उन्हें वो दान में दे दें, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान की सेवा है, ऐसा हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ये उनके शब्द थे मेरे शब्द नहीं। भक्तो आप सोचो कि जो गंगा भगवान के चरण से निकलती है, चरण से भी नहीं एक अंगूठे से निकलती है, उसमें कितनी पावर होती है कि आदमी के लाखों लाख पाप को धो डालती है। तो ये भगवद गीता तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली होगी, तो सोचो इसमें कितनी पावर होगी श्रीमद् भगवद गीता की। तो भक्तों ये गीता बहुत पवित्र ग्रंथ है, हमने देखा है गंगा में स्नान करने के बाद बहुत लोग हैं
जो शराब नहीं छोड़ते, मांस खाना नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर सब कुछ छोड़ देते हैं। तो आप इस पवित्र ग्रंथ को खरीदिए, बांटिए, जितना भी हो सके उस दिन करना ही चाहिए। 19 तारीख को इसका हैप्पी बर्थडे है, हम लोग यहाँ जरूर सेलिब्रेट करेंगे। तो गत चित्र में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर लीला की, पुतना उद्धार लीला। मात्र 6 दिन के बालक हैं भगवान, और उस 6 दिन की आयु में कृष्ण ने पुतना को मार डाला, पुतना का वध कर दिया। सच कहें तो भक्तों, भगवान ने पुतना को मारा नहीं, पुतना को तार दिया है। क्योंकि भक्तों, भगवान कभी किसी को मारते नहीं, उसे तारते हैं। वो वैकुंठ चली गई। देखिए, पुतना जो थी अपने दुष्टता की चरम सीमा पार कर रही थी, अपनी दुष्टता की चरम सीमा को दिखाने के लिए आ रही थी। एक बालक को मारना ये बहुत बड़ी कायरता है, और उसमें भी स्तन पर विष लगाकर माँ का रूप लेकर जाना, किसी बालक को मारना ये एक क्रूरता है। कहते आज तक लोगों ने क्रूरता की, दुष्टता की, लेकिन इतनी बड़ी दुष्टता नहीं दिखाई। पुतना अपनी दुष्टता की सीमा पार कर रही थी, तो उस समय भगवान ने सोचा, पुतना अपनी दुष्टता का सीमा पार कर रही है, तो आज मैं भी अपनी कृपा की सीमा को पार कर जाऊंगा। मैं भी दिखा दूंगा, पुतना अगर दुष्ट है तो मैं कितना बड़ा करुणा का सागर हूं। इस लीला में भक्तों, भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृपा और दया का वर्णन है। और इसी लीला को सुनकर श्री सुखदेव जी गोस्वामी महाराज, जो ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म समाधि में लीन हो चुके थे, इस लीला को सुनकर ब्रह्म समाधि उनकी टूट गई, मचल गए सुखदेव जी गोस्वामी महाराज। और इसी लीला को याद करके व्रज वृंदावन में विदुर जी और उद्धव जी इस लीला को याद करके अपने आंखों से सुन पाते हुए रोने लगे। यहो बकियम अस्तं कालकूटम जिघांशया पा ययत पीयशाधि लेभे गतिं धात्रि उचितान्तदन्यं कमावदयालुं शरणं व्रजे। उद्धव जी के मुख से निकल पड़ा, अहो अहो, ये कैसा विडंबना है। यहो बकी स्तन कालकूटम, ये बकी, बकासुर की बहन बकी, पुतना अपने स्तन पर कालकूट नाम विष लगाकर आई थी, जिघांशया, कृष्ण को जान से मारने के लिए, कृष्ण को जान से मारने के लिए आई थी। लेकिन इस पुतना को भी कृष्ण ने मारा नहीं, लेवे गतिम धात्री, कृष्ण ने पुतना को तार दिया। कृष्ण ने पुतना को अपने वैकुंठ में भेज दिया। उस वैकुंठ में भी कृष्ण ने पुतना को क्या स्थान दिया, गतिम धात्री, पुतना को अपना मां का स्थान दे दिया। सोचिए कितने दयालु है भगवान। पुतना उसे मारने आई थी और भगवान ने उसे अपना मां बना लिया। कृष्ण ने पुतना को अपना मां बना लिया, लेभे गतिम धात्री, पुतना को माता का स्थान प्रदान कर दिया। ऐसी राक्षसी ये पुतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, उसमें भी कृष्ण ने अपनी माँ बना ली। तो बताइए भक्तों, इस संसार में कृष्ण से बड़ा दयालु और कौन है जिसकी हम शरण ग्रहण करें। है इतना बड़ा कोई दयालु जो कोई मारने जाए और उसे अपनी माँ बना ले। जीवन में हमें कोई एक बार गाली दे देता है ना, जीवन भर तक याद रहता है कि एक ना एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आएगा, उस दिन बता दूंगा। एक गाली दे देता है तो आदमी के दिमाग में खटक जाता है, तो मारने के लिए आई थी, फिर भी भगवान ने उन्होंने उन्हें मां बना दिया, मां का स्थान दिया। इस प्रकार भक्तों, भगवान ने पुतना का उद्धार किया। पुतना का देह बहुत लंबा चौड़ा था। समय है तो वर्णन करूं या बंद कर दूं? छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए शंप्रभु? पांच मिनट वर्णन कर देते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो पुतना का देह बहुत लंबा चौड़ा था भक्तों, 21 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी, 7 कोस का शरीर था। सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, जैसे वित्रासुर इंद्र के वज्र से मारने पर गिरा था ठीक उसी प्रकार पुतना भूमि पर धराशायी हुई। व्रजवासीगण चिंता करने लगे, अब इसका क्या किया जाए। उसी समय सुबह हुई और नंद बाबा मथुरा से गोकुल पहुंच गए।
सभी लोगों ने मिलकर नंद बाबा को एक खबर दी और कहा कि कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। तब नंद बाबा की जान में जान आई, नंद बाबा के हृदय में शांति हुई। बोले अब क्या किया जाए इसका। उस समय नंद बाबा ने सैकड़ों फरसू मंगवाए और उस फरसू के द्वारा पुतना के देह को काटा गया और अनेक टुकड़े करके उसे अनेक अनेक चिताओं में जलाना शुरू कर दिया गया। पुतना के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और चिता बनकर उन्हें जलाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं पुतना का शरीर को जब जल रही थी तो उसके देह से कैसी खुशबू आ रही थी, कैसा धुआं निकल रहा था। तो कहते हैं उससे अगरू की सुगंध आ रही थी। अगरू मने अगरबत्ती। उसके देह से कपूर, घी, अगरबत्ती, धूप की खुशबू आने लगी। ऐसी सुगंध आने लगी। आज के मनुष्य को भी जलाते तो कितना बदबू आता है, लेकिन वैसे पापी राक्षसी जो मांस खाती थी, खून पीती थी, उसको जलाया गया तो किसकी खुशबू आने लगी? अगरू की। सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं कि पुतना राक्षसी थी, पापी थी, परंतु उस समय पुतना को साक्षात भगवान कृष्ण ने स्पर्श कर लिया था, इसीलिए वह पुतना पवित्र हो गई थी। तो भक्तों, पुतना के शरीर से बहुत सुंदर खुशबू आने लगा और बहुत सुंदर उन्हें जलाया गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का हमें भजन करना चाहिए कि जब पूतना जैसी पापी औरत भगवान को मारने के उद्देश्य से आए तो भगवान ने उसे अपना माँ बना लिया। यदि हम प्रेम से, भाव से भगवान को भोजन अर्पित करें, भोग अर्पित करें, तो भगवान हमें क्या स्थान देंगे? क्या कोई स्थान नहीं देंगे? जरूर देंगे भक्तों। हमें बस उनसे प्रेम करना चाहिए। पूतना तो मारने के लिए आई थी, हम तो उनसे प्रेम करते हैं, जरूर हमें भगवान बहुत सुंदर स्थान देंगे। तो आप सब इस तरह से आते रहिए कथा में। अंत में सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्वकम अद्भुतम श्रुणुयेत् श्रद्धे मर्त्य गोविंद लभते रति। पूतना उद्धार की इस लीला को यदि कोई ध्यान से सुनता है, स्मरण करता है, पूतना उद्धार की इस कथा को सुनने वाला गोविंद के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए दो चार मिनट के लिए हम कीर्तन करें, फिर बंद हो चुके करेंगे। आज वैसे भी समय होने वाला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्ण हरे। हेलो पंडित जी, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे।
कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरि ओ कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय हो क्या बात, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे